साथीहरु अहिले भने चाहिँ हामी कोलम्बस गइरहेका छौ 2 घण्टा ड्राइभ गरेर म र सबिना यतिखेर भने हामी हाम्रो सामुमा हाम्रो कोलम्बसमा चाहिँ कुमार सानु त्यसैगरी सादर सरगम उहाँहरुको चाहिँ बेजोड प्रस्तुति हुन गइरहेको छ र हामी उहाँहरुलाई हेर्नको लागि चाहिँ एकदमै गाडी चाहिँ 75 मा 73 कुदाएर गइरहेका छौ र आउनुहोस् तपाईहरुलाई पनि हामीलाई जान्छौ कस्तो रहेछ के रहेछ हैन आज उतै बसे हुन्छ होला कोलम्बस सिम्पल मेकअप सिम्पल हेयर स्टाइल र सिम्पल बुढा ठाउँ त आइपुग्यो साथी हो तर यो पार्किङको समस्या देखियो त ओइ कस्तो लागिरहेछ भन्नु दामी एकदम रमाइलो भइरहेछ हामी चाहिँ छिरिसकेको छौ कुनै बी अन स्टेज Mom and Dad, Mr. Baldev and Mrs. Navneet Dhillon, thank you so much. I welcome you all in this beautiful evening of the unforgettable 90s. 90s, 90s, एक ऐसा दौर है जिस दौर में हम लोग जो भी करते थे गानों के जरिए करते थे अगर प्यार करते थे तो गानों के जरिए करते थे सरगम के नाम से जिन्होंने इन दो फनकारों को यहाँ पर लाए वो है हमारे इंटरनेशनल प्रमोटर श्री बालाजी एंटरटेनमेंट उनके लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए जिनके लिए आपका दिल है बेकरार अब वो आने वाले हैं तो क्या आप तैयार हैं तो बस जोरदार तालियां तो बनती है मेरे यार चलिए अब आप सबकी तालियों के बीच मैं उस आवाज को आवाज दूंगा जिस आवाज को हम सब मेलोडी किंग के नाम से जानते हैं जिनको पूरा बॉलीवुड टाइगर कह के पुकारता है जिन्होंने 26 लैंग्वेजेस में 22,000 गाने गाए हैं जिन्होंने एक दिन में 28 सॉन्ग्स गाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम लिख दिया जिन्होंने एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं बल्कि लगातार 5-5 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर एक नया इतिहास रच दिया जिनको और कई अवार्ड्स के साथ साथ पद्मश्री के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है जिनके नाम से 31 मार्च को अमेरिका में एक डे भी मनाया जाता है जी हाँ दोस्तों वो है हम सबों के चहेते हम सबों के प्यारे दुलारे हम सबों के दिल जिगर जानू आएंगे कुमार शानू बात करेंगे
तुम्हें
Please go back to your seats. Sit down. Don't make me take that experience. ऐसा भाड़ा मत देना ना, कौन भाड़ा है इतने दूर से? मरने क्या है? मैं सुन रहा हूँ ना सर। गाऊंगा आप लोगों को पसंद आकर देखना है कि गाना कुछ किया जिन्होंने उनको मेरा सलाम संभावना है लेकिन मैं कुछ तरह तरह के रिक्वेस्ट आ रहे हैं देखिए मैं क्या करना चाहूँगा कि मैं 26 लैंग्वेज में गा चुका हूँ इसका मतलब ये नहीं कि सारे लैंग्वेज में यहाँ भी थोप दूँ क्या होता है कि कोई इधर से कुछ बोल रहा है कोई उसे मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो शो है ये हिंदुस्तान के शो है ये राष्ट्रभाषा हमारा हिंदू है हिंदी है सो आई एम नॉट गोइंग टू सिंग ऑल द सॉन्ग्स इन हिंदी आपको हमारा हार्टफेल्ट रिक्वेस्ट है आप देश को बांटो ना कोई बोलेगा पंजाबी गाओ कोई बोलेगा तेलुगु गाओ कलाकार आएंगे आपके शहर में क्या है कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि सीडी चला के या माइक करके आपको पता भी नहीं चलेगा वो आपको चीट करेंगे बहुत सारे सिंगर्स ऐसा है जो ऐसा सोच करते हैं जिसमें वो लाइव गाते नहीं सीडी चला के मेरा ये कहना है मैं मरते दम तक आपके सामने खड़े होंगे लाइव गाऊंगा कहीं इंसान गलती कर ही सकते हैं आपसे भी गलती हो सकता है अगर मैं गलत गा गया तो दोबारा गाना आपने एक लाइन मार्क किया होगा बीच में जब मैं मेरा दिल भी कितना पागल गा रहा था एक लाइन को मैंने दो बार गाया मार्क किया गुड क्योंकि उस गाने में उसके लाइव आने के बाद थोड़ा गला क्रैक हो गया तो उसको मैंने दोबारा रिपीट किया आपको पता नहीं इसको लाइव सिंगिंग आई थिंक कि मेरा जो फैंस है वो मुझे दिलों जान से चाहते हैं तो जो कुछ भी सुन रहे हैं यहाँ पे सारा लाइव एंड सारा रॉ मैं खाली म्यूजिक हमारे खाली म्यूजिक छोड़ के खाली वॉइस में भी आपके सामने गा के सुना सकता हूँ उतना ही एंजॉय करता हूँ सो लेट्स सिंग ए सॉन्ग बहुत खूबसूरत गाना मैंने रिक्वेस्ट किया उसके लिए धन्यवाद उसको चले
भाई भी जाऊँ मैं चला राजू पिक्चर नहीं ना एक और गाना है एक लड़की को देखा था ऐसा वो क्या अच्छा लगा आठ दस लड़की को देखा तो अच्छा लगा थोड़ी ऐसे होते हैं एक लड़की को देखा तो भी हो गया हाँ तो ये गाना फरमाइश मैंने इसलिए रोक के रखा था क्योंकि इस गाने के पीछे एक कहानी था कहानी है जो मैं चाहता हूँ कि आप सब सुने। इस गाने के रिकॉर्डिंग से पहले पंचम दा यानी आरडी बर्मन साहब ने दादा को कुछ टिप दिया था जो टिप को लेके दादा ने गाना सुपर डुपर हिट बना दिया। तो मैं दादा सुनना चाहता हूँ कि वो टिप क्या था। हम सब जानना चाहते हैं ना कहानी। अरे इतना कुछ नहीं है यार, छोटा सा कहानी था, छोटा सा एकदम छोटा। जितना बॉलीवुड बहुत सारा होता है, हर गाने के पीछे कितना कुछ होता है वो आप लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा। रियली आई नो, पर मैं क्या करता हूँ, मैं कभी कभी जाके ये मेरे से खोद खोद के निकाल लेता हूँ कभी कभी। तो ये जो पंचमदा ने मेरे को ये गाना गवाया था, जब ध्यान से सुना पंचमदा ने जब ये गाना गवाया था मेरे को, तो उन्होंने मेरे को सिंगर रूम में आके खाली एक ही शब्द बोला था कि देख सनू इस गाने में बहुत सारे जैसे वर्ड हैं, जैसे फलाना जैसे गिनाना बहुत सारे गाने। तो मेरे को तो हर जैसे को अलग एक वेरिएशन देना था, हर जैसे को। आप लोगों ने 70 बार सुना होगा, किसी ने 100 बार सुना होगा, लेकिन किसी ने ये मान नहीं किया। मैंने हर जैसे को उन्होंने जैसे बोला था तो क्या है, पंचमदा ने जैसे बोला था मैंने वैसे कर दिया, आप लोगों ने गाने को हिट बना दिया, सुपर डुपर हिट हो गया बस। और उसके लिए मुझे फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला था, जिसके लिए जोरदार लेकिन दादा वो कैसे किया था वो भी बता दीजिए, वो गाना कैसे किया तो सुनना चाहते हैं ना गाना भी। देखो आप सीढ़ी चला के सुन लेना, करके सुन लेना, नहीं लाइक सुनना चाहते हैं, लाइक सुनना चाहते हैं दादा। अच्छा प्यार से बोल रहे आप, सच में सुनना चाहते हो? अच्छा चलो गाना कैसा है, सिंपल सा गाना है। हो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ये तो गाना है। लेकिन इसके बाद क्या होता है वो उसे सुनना पड़ेगा। जैसे अच्छा ये पांचवा ज्यादा वन स्मोक बोल रहे हैं, वो गाने का एक ही टीम है, वो गाने का एक ही टीम है। थैंक यू तो सब कुछ बोलता है, हम तो अभी बोलेंगे ठीक है, उसमें आप समझ जाना क्या बोलना चाहते हैं। क्या है मालूम है, ये था मेरा पांचवा फिल्म फेयर अवार्ड। नहीं आप ताली बंद हो जाओ, इसके बाद मेरा दुखद प्लान ही था, ये छठवां भी मेरा ही था, छठवां भी मेरा ही था। आप बताओ उस साल में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे से बात
ये जो गड़बड़ हुआ ना, ये गड़बड़ मेरा मीडिया ने किया। हमारे बॉम्बे का मीडिया जो है ना, बड़े अच्छे लोग हैं, ये बड़े सॉरी अच्छे लोग हैं। मैं क्या बोलूँ, मैं पांचवा फिल्म फेयर लेने के बाद मेरे को इंटरव्यू में मेरे को पूछा कि भाई आपको कैसे लग रहा है समझी, तो मैंने बोला गद्गद होकर बोला कि मुझे पांच बार ले रहा हूँ मैं, बार बार मैं आ रहा हूँ, इस बार कोई नए को भी मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। बस उन्होंने कह दिया कि कुमार साहब ने फिल्म फेयर लेने से इनकार कर दिया। गुस्सा आ गया। लेकिन एक बात बताओ, जब मैं खाली नाम लिया फिल्म का तो आप कैसे अप्रोच किया? तो सोचो जब मैं गाऊंगा होगा ना तब आप कैसा अप्रोच होंगे? ये है मेरा छठवां फिल्म का नाम। इससे बड़ी अवार्ड अब कुछ है ही नहीं जो आप फिर से मेरे को जानते हो, अप्रोच देते हो, इससे बड़ी अवार्ड अब क्या हो सकता है? आई डोंट थिंक सो। थैंक यू, उन्होंने नहीं दिया तो कोई बात नहीं है। हम तो 25 साल बाहर आके अब जब ये गाना बोल रहा हूँ तो आप इतना चिल्ला रहे हैं, तो सोचिए अवार्ड का क्या वैल्यू है। चलिए अभी देखिए, हमको कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं ये आपको बोलना बहुत जरूरी है। बहुत खड़ा गाना आप बहुत खड़ा हो, थोड़ा सा मेरा सुनो। तो ये हमें जो इंडिया से जो अमेरिका तक लेके आए, जो हमारा इंटरनेशनल प्रमोटर है, उनका नाम लेना बहुत जरूरी है, उनके वजह से मैं आप तक पहुंचा। उनका नाम है मिस्टर रॉकी। मिस्टर रॉकी के लिए खाली इसके बाद अमेरिका तक पहुंच गया। अमेरिका में मेरे को कोलंबस तक जिन लोगों ने ले लिया है वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनका नाम तो लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन लोग नहीं होते तो मैं आप तक पहुंच नहीं पाता। आप बता तो इनका मैं नाम लूंगा, आप ना कंजूसी नहीं करना प्लीज, मेरे को रिक्वेस्ट है आपको, उतना ही तालियों के शोर शार में होना चाहिए। देखिए मिस्टर रोहन ढिलोन प्लीज, एंड मिस्टर करम ढिलोन, मैं चाहता हूँ कि भोजन स्टेज पे आ गए। इन लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए कि इन लोगों ने बहुत मेहनत की है इस शो को सक्सेस करने के लिए। आज मैं देख रहा हूँ Anari Kumar Sanu Dada. Kumar Sanu Dada was born in his real name is Kedarnath Bhattacharya. Kedarnath, everybody should know the Kedarnath. That's a Jyotirling here. That's Dada is a Jyotirling, one of them. That's a wish you actually honor him and give him a big round of applause. कहीं ये मेरा फोन खोल देगा, सर्टिफिकेट तो नहीं देगा। एक्चुअली नोटेबल कंट्रीब्यूशन, सोशल इनिशिएटिव्स, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, लॉट ऑफ फिल्मफेयर अवार्ड्स एंड दिस प्रेजेंटेड बाय मेयर ऑफ कोलंबस एंड्रयू जगिंथर। This is from the mayor of Columbus, Andrew Jagirkar. Thank you very much. God bless you and God bless America. Jai Sri Krishna Gai. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Sata. You know, thank you, guys. You can enjoy it. आप लोगों ने देखा कि बहुत देर तक मैं पानी पी रहा हूँ, देखा कि नहीं, देखा ना, तो एक बार तो बनता ही है। तो मैं जरा होके आता हूँ, आ
आप लोग भी होके आइए, ठीक है? लेकिन 10 मिनट से ज्यादा नहीं, 10 मिनट से ज्यादा अगर बहुत तरफ कर जाएंगे मैं बोल देता हूँ। ब्रेक टाइम भैर हम इस पड़ी अब अर्क कार्यक्रम को जब कोई बात निकल जाए।
आप लोग ना मेरे को जरा वो म्यूजिकल म्यूजिकल सीडी हमको बजा के सुनाइए जरा आप लोग सब सीडी बजाइए म्यूजिकल सीडी दाजु चुनन दाई चुनन दाजु सब लगे तो साथी दाजु दाजु भेट्नु पाइन्छ होइन दाजु भनिदिनु पर्यो कार्यक्रम समग्रमा रक म्यान लाइक 90s को सबै याद आयो होइन सो के भन्नु एभ्रिथिङ इज राइट पापालाई चाहिँ कस्तो लाग्यो पापा अघि रुइरहनु भएको थियो त नि सर अन्तिममा दुई शब्द जाओस् लाइफमा वान टाइम अब होइन भयो अब खुसी लाग्यो जस प्रोग्राम राम्रो भयो होइन मिट एन्ड ग्रिट रहेको छ प्लस होप वी क्यान डु द्याट होइन तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो रमाइलो होइन ड्रिम्स कम ट्रु भाउजू मेरो भाउजू आज भाउजूको डान्सलाई त अनि छुइन सक्थ्यो त अनि हाई फाई गरिदिउँ भाउजू कस्तो लाग्यो त हाम्रो अरुण दाईलाई कस्तो लाग्यो मजाले कसरी हेर्यो है ल ल ल साथी यो स्टेज चाहिँ यही हो होइन हामी चाहिँ यहाँनिर यो 1-2-3 टोली छौँ है मिट एन्ड ग्रिट पनि हाम्रो चाहिँ टिकटमै इन्क्लुड भएको कारणले गर्दाखेरि सो वी आर सो लकी टु सी कुमार सन यहाँ हाम्रो चाहिँ लाइन मिलाएर चाहिँ लाने काम भइरहेको छ होइन अब यहाँ हामी चाहिँ लाइनमा गएर भेट्नेछौँ हाम्रो चाहिँ यहाँनिर बाहिर लेखेको छ कुमार सन यो चाहिँ खाली भएको छ है पुरै अहिले चाहिँ अघि यहाँ टनाटन थियो अब यहाँ हाम्रो लाइन छ यो जुन लाइन देख्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ हामीले उहाँलाई भेट्नको लागि दाजु यता आउँदै हुनुहुन्छ हामी यहाँ फोटो खिच्ने भनेर उहाँ चाहिँ लाइनमा अब यहाँनिर यस्तो छ लाइन है फोटो खिच्ने कार्यक्रम भइरहेछ होइन Please come at 2-2 couple. They're not going to take single. We need to leave right now. Come 4-4. 4-4 of them. Four people. Please come. Thank you. Have a good evening. Thank you. अब हामी निक्ल्यौँ है हामीले चाहिँ नि गाडी पार्क गर्न दिएको थियौँ कि यहाँनिर अनि गाडी पनि ल्याइदियो है अब हामी घर लाग्दैछौँ 2 घन्टाको बाटो है सरी